लाहौर हाई कोर्ट में हाफजाबाद के थाना वनी के तारड़ के दो मुलजमान आलम शेख और तालब हुसैन को बेलफ ने पेश किया तो पुलिस ने मौकिफ अख्तियार किया कि मुलजमान 37 लाख रुपए की डकैती के मुकदमे में मतलूब और डकैत गैंग के रुकन हैं। अदालत ने पुलिस की दरखास्त मंजूर करते हुए मुलजमान को पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया, जिस पर मुलजमान ने फरार होने की कोशिश की। तहम अहाता अदालत में मौजूद पुलिस एहलकारों ने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी और दोनों को हाईकोर्ट के गेट पर धर लिया गया। मुलजमान की गिरफ्तारी के दौरान वुकला, लवाहिकीन और पुलिस एहलकारों में हाथापाई भी हुई। मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद उनकी खवातीन रिश्तेदारों ने हाईकोर्ट के अहाता में शदीद एहतजाज किया। वणी के थाने पहलो किता उन्होंने गिरफ्तार जेड़ा सी ना चट्ठा नासर उनका नौकर काम करते सी मेरे बच्चे मेरे बच्चों ने रुपये मंगे 7 महीने हो गए उन्होंने नाल लग्या मेरा खुलो जा उन्हें पैसा नहीं दिता मंगते रहे नहीं दिता मैं खुद 3 बार गई मैनू उन्हें दबका मारिया तो जो कोई केस करके तेरे बच्चे तुन दें